वेल गाइज, आपको याद तो होगा कि करण कुंद्रा ने बिग बॉस के घर के अंदर एक सीक्रेट रिवील किया था, और वो सीक्रेट उनका ये था कि उनके पास ना एक फेक अकाउंट है। यस, इंस्टाग्राम पे एक फेक अकाउंट है जिसके चलते वो लोगों को स्टॉक करते रहते हैं, और उसी से रिलेटेड आज उनकी जो फैन मीट थी ट्विटर स्पेसेस पे, वहां पे भी एक सवाल पूछ लिया। तो इस सवाल का जवाब क्या दिया है करण ने, और क्यों कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी का फोन फोड़ देगी, बताती हूँ इस वीडियो में। देख रहे हो पीपा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सुदांगी करने को। एक बार ने पूछा उनसे कि क्या आप अभी भी इंस्टाग्राम का जो आपका अकाउंट है, फेक अकाउंट है, उसे यूज करते हो लोगों को स्टॉक करने के लिए, एंड क्या आपका ऐसा ही कोई फेक अकाउंट ट्विटर पे भी है। तब करण ने कहा, नहीं नहीं ट्विटर पे मेरा ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है, इतना टाइम ही नहीं होता यार, ऊपर से इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है ट्विटर पे कि मुझे दूसरे अकाउंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पे जो मेरा अकाउंट था उसका मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, इसलिए मैं अभी तक उसके ऊपर लॉगिन नहीं कर पाया, और अगर मैं लॉगिन करने का सोचूं भी तो तेजू जो है मेरा फ़ोन फोड़ देगी, लड्डू फ़ोन फोड़ देगी, इसीलिए मैं उस अकाउंट से जो है दूरी रहने वाला हूँ, और मैं इसीलिए उस अकाउंट में लॉगिन नहीं करूँगा। यानी कहीं ना कहीं तेजू की दहशत जो है वो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। करण पहले लोगों को स्टॉक करने के लिए उनके फेक आईडी का, इंस्टाग्राम पे उनकी एक फेक आईडी थी जिनका इस्तेमाल करके वो कुछ लोगों को स्टॉक किया करते थे, लेकिन अभी जो है करण कुंद्रा ने सीधा सीधा कह दिया, भाई भाई अभी कोई स्कोप नहीं है, किसी को स्टॉक करने की जरूरत भी नहीं है, भाई सामने ऑलरेडी पर्सन है, उनको अभी उनके अलावा किसी और को स्टॉक करने की जरूरत है क्या, उनको स्टॉक करने के लिए खुद का अकाउंट है, और अगर वो दूसरे अकाउंट से लॉग इन कर लिया तो तेजू पीट देगी करण को, सिर्फ करण को ही नहीं उनके फोन को फोड़ देगी। बस अपने फोन के खातिर करण ने कह दिया कि मैं तो उस अकाउंट में वापस कभी लॉग इन भी नहीं करने वाला हूँ। व्हाट इज योर टेक ऑन इट, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल सी यू गाइस सून, बाय बाय।